दोस्तों ये है एक्सपोनस और ये है भाइगो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस दोनों प्रोडक्ट के बारे में और प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाएंगे। एक तरफ हम बायर का भाइगो को स्प्रे करेंगे यानी इसको स्प्रे करेंगे और एक तरफ हम BSF कंपनी का एक्सपोनस को स्प्रे करेंगे और दोनों का रिजल्ट आप लोगों को दिखाएंगे और किसका कितना दम आज हम इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। तो चलिए लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बायर का भाइगो क्या है और एक्सपोनस क्या है। तो एक्सपोनस BSF कंपनी का एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जो कि कॉन्टैक्ट की तरह ही काम करता है। और उसके अलावा भाइगो की अगर बात की जाए तो भाइगो बायर क्रॉप साइंस का एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है जो कि ये पौधे के सिस्टम में जाके काम करता है। बात कर लेते हैं बायर का भाइगो के अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है और उसके अलावा एक्सपोनस के अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है। सबसे पहले एक्सपोनस की अगर बात की जाए तो एक्सपोनस के अंदर आप लोगों को ब्रोफेनिलाइड जो कि 300 ग्राम पर लीटर के हिसाब से SC फॉर्मुलेशन में दिया हुआ है जो कि सफ़ेद कलर का गाढ़े फॉर्म पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और उसके अलावा बायर की भाइगो की अगर बात की जाए तो भाइगो के अंदर आप लोगों को टेट्रानिलप्रोल 18.18% इसमें भी SC फॉर्मुलेशन ही दिया हुआ है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपोनस कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है और बायर का भाइगो कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले ग्रुप 30 से बिलोंग करता है एक्सपोनस जो कि मार्केट में अभी तक कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं है ग्रुप 30 का। और उसके अलावा भाइगो ग्रुप 28 से बिलोंग करता है जो कि पहले से बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है ग्रुप 28 का जैसे कि फ्लुबेंडामाइड क्लोरएंट्रानिलिप्रोल या फिर साइएंट्रानिलिप्रोल ये पहले से ग्रुप 28 से बिलोंग करता है। लेकिन एक्सपोनस ग्रुप 30 का होने का एक ही फायदा है कि इसका कोई क्रॉस रेसिस्टेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। क्रॉस रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी भी फसल में बार बार कई तरीके की इंसेक्टिसाइड आप लोग प्रयोग कर रहे हैं और उसमें आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो इस सिचुएशन में अगर आप लोग एक्सपोनस को स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है क्योंकि इसका कोई क्रॉस रेसिस्टेंट अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपोनस का मोड ऑफ एक्शन के बारे में या फिर बायर का भाइगो का मोड ऑफ एक्शन क्या है, दोनों का कंपेयर करके आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले एक्सपोनस की अगर बात की जाए तो एक्सपोनस को फसल में स्प्रे करने के बाद कीटों का नर्वस सिस्टम पर बहुत ही जल्दी अटैक करता है और कीटों को भूखा मार देता है। तो इस तरीके से एक्सपोनस फसल के ऊपर इल्लियों को मारने के लिए काम करता है। और भाइगो की अगर बात किया जाए तो भाइगो को स्प्रे करने के बाद इल्लियों के एकदम मांसपेशी में असर करता है जिससे पत्ता चिबाना बंद कर देता है इल्ली। तो इस तरीके से बायर का भाइगो काम करता है फसल में स्प्रे करने के बाद। आप दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपोनस को फसल में स्प्रे करने के बाद ये कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करता है और भाइगो को स्प्रे करने के बाद ये कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करता है। सबसे पहले एक्सपोनस की अगर बात किया जाए एक्सपोनस को फसल में स्प्रे करने के बाद बॉलवर्म को कंट्रोल करता है, काटवर्म को भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ सेमिलूपर को कंट्रोल करता है, फ्रूट एंड शूट बोरर को कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके अंदर आप लोगों को थ्रिप्स को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। और बायर की भाइगो की अगर बात किया जाए तो भाइगो को स्प्रे करने के बाद ये तोबाको कैटरपिलर को कंट्रोल करता है, लीफ होल्डर जो कि धान में लगता है उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ फ्रूट एंड शूट और बोरर को भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है और गार्डल बीटल को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो है ये थ्रिप्स के ऊपर रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपोनस को हम लोग कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं और भाइगो को हम लोग कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो दोनों का सेम है, आप लोग किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं दोनों को, जैसे कि बायर का भाइगो को भी आप लोग किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं और एक्सपोनस को भी आप लोग किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आप बात कर लेते हैं इसका डोज यानी एक्सपोनस को हम लोग कितनी मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं और बायर का भाइगो को हम लोग कितनी मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसे कि एक्सपोनस का सबसे पहले बात किया जाए तो एक्सपोनस को आप लोगों को 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है यानी 15 लीटर का जो पंप आता है उसमें आप लोगों को 4 ml डालना है, बस बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बायर की भाइगो की अगर बात किया जाए तो भाइगो को आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, तभी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोनों का रिजल्ट टाइम यानी एक्सपोनस को स्प्रे करने के बाद कितने दिन तक रिजल्ट मिलता है और बायर का भाइगो को एक तरफ स्प्रे करने के बाद कितने दिन तक रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले एक्सपोनस की अगर बात किया जाए तो एक्सपोनस को अगर आप लोग प्रिवेंटिव में स्प्रे करते हैं यानी रोग लगने से पहले यानी इल्ली लगने से पहले अगर आप लोग एडवांस में स्प्रे करना चाहते हैं एक्सपोनस को तो आप लोगों को लगभग 18 से 20 दिन तक रिजल्ट देखने के लिए मिलता है यानी 18 से 20 दिन तक इल्लियों का प्रकोप नहीं होने देता है फसल में। और उस सिचुएशन में बायर का भाइगो की अगर प्रिवेंटिव में बात किया जाए तो प्रिवेंटिव में ये भी 15 से 20 दिन तक इल्लियों का प्रकोप होने नहीं देता है। लेकिन क्यूरेटिव में बात किया जाए तो एक्सपोनस को स्प्रे करने के बाद आप लोगों को सिर्फ 10 से 12 दिन का ही रिजल्ट देखने के लिए मिलता है
और उस सिचुएशन में बायर का भाइगो को अगर स्प्रे करते हैं तो इसमें भी आप लोग को 12 से 15 दिन तक कंट्रोल करके रखता है इल्लियो को। आप दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपोनस का मार्केट में कितने प्राइस होता है और भाइगो का कितने प्राइस होता है। सबसे पहले एक्सपोनस की बात की जाए तो एक्सपोनस का जो 17 ml का फाइल होता है ये आप लोगों को मार्केट में 1100 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। और भाइगो की अगर बात किया जाए तो भाइगो का जो 100 ml का फाइल है ये लगभग आप लोगों को 1200 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन रेट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मार्केट के हिसाब से, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से, उसमें आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। आप लोगों को जिसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसी को आप लोगों को इस्तेमाल करना है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेना है। अब फाइनली अगर बात करेंगे तो इस दोनों प्रोडक्ट से कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है और कौन सी प्रोडक्ट लेना सही रहेगा, तो दोस्तों ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये किसानों को जानकारी देने के लिए वीडियो है। इसमें से आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरे ओपिनियन से अगर बात किया जाए तो देखिए जैसे कि एक्सपोनस को भी आप लोग ले सकते हैं और भाइगो को भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट जो है बहुत सारे है वो हम आप लोगों को वीडियो में बता चुके हैं और उसी के हिसाब से आप लोगों को यूज करना है। आप लोग दोनों में से किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था दोस्तों BSF का एक्सपोनस और बायर का भाइगो दोनों का डिफरेंट के बारे में पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।